दुनिया में बहुत सारे अजीबोगरीब चीजें होती आई है, पर इस वीडियो में आप जानेंगे कुछ ऐसे 5 अजीबोगरीब फैक्ट्स के बारे में जिसे जानकर आप खुद आश्चर्य में पड़ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी। आपको ये बात जानकर बड़ा गर्व होगा कि पूरे दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी हमारे भारत में थी, जिसका नाम तक्षशिला महाविश्वविद्यालय था। ये तब के भारत में तक्षशिला इस शहर में हुआ करती थी जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है। इस यूनिवर्सिटी में पूरी दुनिया से लोग पढ़ने आया करते थे। चाणक्य जो कि पूरे दुनिया के विश्व गुरु थे, उन्होंने भी अपनी शिक्षा इसी यूनिवर्सिटी से पूरी की थी। नंबर 2, आखिर किसने डिजाइन किया हमारे भारतीय झंडे को? हमारे भारत के झंडे में काफी बदलाव होते आए हैं, पर हमारे झंडे का फाइनल डिजाइन सुरैया तैयब जी ने किया था, जो तब के समय की एक मशहूर डिजाइनर थी। उन्होंने भारतीय तिरंगे के बीच अशोका चक्र को डाला और तिरंगे का सही रंग चुनने के बाद उसे साथ में सिला गया और हमारे इस तिरंगे का जन्म हुआ। 22 जुलाई 1947 में इस तिरंगे को पूरे भारतवर्ष में अपनाया गया। नंबर 3, एक अद्भुत झील। आपने बहुत सारे अजीबोगरीब नदियों के बारे में सुना होगा, पर क्या आपको पता है हमारे भारत में एक अद्भुत झील भी है जिसे उल्का पिंड ने बनाया है। ये झील महाराष्ट्र के लोनार में है। आज से करीब 52,000 साल पहले एक बहुत बड़ा उल्का पिंड महाराष्ट्र के इस गांव में आके गिरा। ये इतना विशाल था कि इसके गिरने की वजह से इतना बड़ा हिस्सा दब गया और इसमें पानी समा गया। ये अद्भुत नदी का पानी अभी भी एक रहस्य का विषय है जिसे वैज्ञानिक आज भी बता नहीं पाए। आप क्या सोचते हैं इस अद्भुत झील के बारे में? नंबर 4, दुनिया का पहला कंप्यूटर वायरस। दुनिया का पहला कंप्यूटर वायरस का नाम ब्रेन था और इसे पाकिस्तान ने बनाया गया था। इसे बनाने वाले 2 भाई हैं जिनका नाम बशिश्त और अजमत फारूक अलवी है, और तब ये कंप्यूटर की दुकान चलाया करते थे। ये वायरस कोई भी फ्लॉपी डिस्क के अंदर घुसकर उसके अंदर के डेटा को करप्ट कर देते थे। नंबर 5, दुनिया का पहला पिज्जा। वैसे तो पिज्जा जैसे बहुत सारे खान पान हजारों साल से चले आ रहे हैं, पर आज जो पिज्जा का डिजाइन और टेक्सचर है, ये सबसे पहले सन 1889 में इटली के नेपल्स में बनाया गया था। इसे बनाने वाले का नाम राफेली एस्पोसितो था और वो एक मशहूर शेफ थे। इटली में टमाटर की बहुत ज्यादा पैदावार होती थी। एक दिन नेपल इस शहर में इटली की महारानी क्वीन मार्गरिटा आई और उन्हें शेफ राफेली को कुछ नया बनाने बोला, तो उन्होंने टमाटर से बनी हुई सॉस और मोज़रेला चीज की टॉपिंग से एक न्यू डिश का आविष्कार किया, जो कि रानी मार्गरिटा को बहुत पसंद आया और उसे पिज्जा मार्गरिटा का नाम मिला, और धीरे धीरे पिज्जा पूरी दुनिया में फैल गया। आप ये सारे अजीबोगरीब फैक्ट्स के बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट में अपनी राय बताएं और हमारे इस चैनल हिस्टोरिकल ज्ञान को सब्सक्राइब करें।